आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है ड्रूप डेवलप्स इन, तो हमने पढ़ा था फ्रूट के टाइप, उनमें से एक टाइप था ड्रूप। तो पूछ रहा है कि ड्रूप जो फ्रूट है, फल है ड्रूप टाइप का, वो चार जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से किस में ड्रूप टाइप का फल पाया जाता है, ये हमको बताना है। तो देखिए ड्रूप टाइप का फल जो है ये मैंगो में पाया जाता है, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए 60 का वन विकल्प करेक्ट है। कह रहा है ड्रूप इज ए फ्लेसी फ्रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम आइदर वन आर सेवरल फ्यूज्ड कार्पेल्स एंड कंटेन्स वन आर मेनी सीड्स। तो कह रहा है कि जो ड्रूप टाइप का फल है वो फ्लेसी होता है, मतलब गूदेदार होता है, और ये एक या एक से ज्यादा कार्पेल के आपस में फ्यूज्ड यानी जुड़ जाने से बनता है, तो इसलिए इसमें एक या एक से अधिक सीड यानी बीज पाए जाते हैं। द सीड्स आर इनक्लोज्ड बाय द हार्ड प्रोटेक्टिव इंडोकार्प। इसमें क्या होता है कि जो फल होता है, जो सीड होता है मतलब बीज होता है, फल नहीं बीज, वो अंदर वाली जो अंतः फल भित्ति है वो बहुत कठोर होती है, हार्ड, उससे ढका रहता है। इसका उदाहरण है मैंगो। कह रहा है इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू एंड आउटर थिन एपिकार्प। तो जो मैंगो है आम है उसमें आपने देखा होगा कि बाहर छिलका होता है फिर उसके अंदर, तो जो छिलका है वो एपिकार्प है। पेरिकार्प के तीन भाग होते हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। तो पेरिकार्प में तीन भाग हो गए, तो जो मैंगो है हमारा आम उसमें जो बाहरी है छिलका ये एपिकार्प है, बाह्य फल भित्ति, और जो गूदा हम खाते हैं ये अंतः फल भित्ति है, और जो अंदर गुठली निकलती है उसके अंदर बीज होता है, तो ये कठोर गुठली जो है ये इंडोकार्प है यानी मध्य अंतः फल भित्ति है। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि जो मिडिल फ्लेसी है, जो मध्य फल भित्ति जो गूदेदार होती है उसको हम खाते हैं, और जो अंदर वाली होती है वो स्टोनी यानी पत्थर की तरह कठोर होती है, जो गुठली होती है उसको, उसकी बात कर रहा है। इसी गुठली को इंडोकार्प या अंतः फल भित्ति बोलते हैं। अब 62 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, तो 62 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए 62 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक फ्रूट है जो फल है, अगर वो हाइपैंथोडियम इनफ्लोरेसेंस यानी हाइपैंथोडियम जैसे इनफ्लोरेसेंस यानी पुष्प विन्यास से, पुष्प क्रम से उत्पन्न होता है, तो उस फल को हम क्या नाम देंगे। तो हाइपैंथोडियम हमने आपको बताया था कि जैसे गूलर है, तो गूलर का जो फ्रूट है जिसे हम गूलर कहते हैं, तो गूलर हकीकत में फ्लावर है, फूल है, उसके अंदर फ्रूट बनता है, फूल के अंदर फल, तो ये किस प्रकार का है, हाइपैंथोडियम। ये हाइपैंथोडियम पुष्पक्रम का नाम है, और फल का क्या नाम है ये हमको बताना है, चार विकल्प दिए गए हैं। तो ये हाइपैंथोडियम पुष्पक्रम से जो फल विकसित होता है वो साइकोनस बोलते हैं उस फल को, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 62 का बी करेक्ट है। कह रहा है साइकोनस फ्रूट डेवलप फ्रॉम ए हाइपैंथोडियम इनफ्लोरेसेंस। जो साइकोनस फल है ये हाइपैंथोडियम पुष्पक्रम से विकसित होता है। इसका एग्जांपल है फाइकस, फाइकस का मतलब जैसे अंजीर है, गूलर है, ये सब वैरायटी के जो फ्लावर। तो हाइपैंथोडियम इज ए बॉक्स लाइक इनफ्लोरेसेंस वेयर द बॉक्स इज फाउंड बाय द फ्लेसी रिसेप्टिकल। तो इसमें जो बॉक्स लाइक इनफ्लोरेसेंस है ये एक तरह से फ्लेसी रिसेप्टिकल है। इट ओपन टू एक्सटीरियर बाय ए सिंगल पोर कॉल्ड ओस्टियोल। अब देखिए नीचे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो साइकोनस हाइपैंथोडियम इनफ्लोरेसेंस से विकसित होता है, एग्जांपल इसका है
फाइकस, बस। अब क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। तो 63 में देखिए कह रहा है कि जो कार्टिलेडन होता है यानी बीज पत्र और टेस्टा, तो ये किसमें इडिबल पार्ट है यानी खाए जाते हैं। तो कार्टिलेडन और टेस्टा किसमें खाए जाते हैं ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए ग्राउंडनट यानी मूंगफली और पोमग्रेनेट यानी अनार, इनमें पोमग्रेनेट को देखिएगा अनार ही जहाँ तक कहते हैं, इसका इंग्लिश नेट में देख लिया करिए। तो ये इनमें जो है कार्टिलेडन और जो है टेस्टा खाए जाते हैं, इसको देख लेते हैं। तो देखिए 63 का डी विकल्प सही है, कह रहा है ग्राउंड नट यानी मूंगफली जो है इज ड्राई, सूखी होती है, वन चैम्बर्ड, एक चैम्बर्ड होती है, वन सीडेड फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम ए सुपीरियर बाई आर पॉलीकार्पलरी ओरी। तो कुल मिला के कुछ भी नहीं याद करना है, ग्राउंड नट और जो पोम ग्रेनेट है इनमें जो है पोम ग्रेनेट में जो है बलस्टा टाइप का फल पाया जाता है, पोम ग्रेनेट जो है ये बलस्टा टाइप का फल होता है। तो इनमें जो है टेस्टा और कार्टिलेडन यानी बीज पत्र खाए जाते हैं। तो 63 का डी विकल्प सही हो जाएगा, बाकी जो लिखा है उसका कोई मतलब नहीं है। और एनसीईआरटी में लगातार बदलाव हो रहे हैं, लेकिन चूंकि ये दिया गया इसमें तो हम इसको बता रहे हैं, और बाकी जो है अगर ये आज अब जो है नई एनसीईआरटी इसमें नहीं दिया गया है तो इसको नहीं पढ़ना। हालांकि अभी जो नई अब एनसीईआरटी आई है इसके पहले वाली एनसीईआरटी पढ़ना है, वही इस साल नीट में पूछा जाएगा, बाकी सिलेबस चेंज होगा तो फिर बाद में देखा जाएगा। तो 63 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है द फ्लेसी रिसेप्टिकल ऑफ साइकोनस ऑफ फिग इनक्लोज्ड ए नंबर ऑफ, तो कह रहा है जो फ्लेसी गूदेदार रिसेप्टिकल होता है साइकोनस फ्रूट में, जो हमने पीछे पढ़ा कि गूलर और अंजीर में पाया जाता है, फिग का मतलब अंजीर, तो इसमें बहुत सारे नंबर में क्या होते हैं हमसे पूछ रहा है। तो 64 का सी विकल्प हमारा करेक्ट है, एक्नीज इनको बोलते हैं, जो साइकोनस में फ्लेसी रिसेप्टिकल होता है और बहुत सारे संख्या में होते हैं तो उसको एक्नीज बोलते हैं। तो देखिए 64 का सी करेक्ट है, साइकोनस डेवलप फ्रॉम हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ये हमको पता है। द फ्लास्क से फ्लेसी रिसेप्टिकल इनक्लोज फीमेल फ्लावर विच प्रोड्यूसेस स्मॉल एक्नी लाइक फ्रूटलेट्स, ये कह रहा है कि जो रिसेप्टिकल होता है गूदेदार इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मादा पुष्प पाए जाते हैं जो एक्नी प्रोड्यूस करते हैं, ये छोटे छोटे फल के रूप में रहते हैं, फ्रूटलेट्स के रूप में, एंड हैज ए स्मॉल पोर प्रोटेक्टेड बाई स्केल लीव्स, और इसमें छोटा सा जो है छेद होता है जो स्केली लीफ जो होती हैं उनके द्वारा सुरक्षित होता है। एग्जाम्पल क्या है, साइकोनस ऑफ फिग यानी फाइकस कैरिका, तो अंजीर और गूलर में कंडीशन पाई जाती है। तो 64 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ड्राई इंडेसेंट सिंगल सीडेड फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम बाइकार्पलरी सिंग कार्पस इंफीरियर ओरी इज, कह रहा है कि एक ड्राई इंडेसेंट सिंगल सीडेड मतलब सूखा होना चाहिए और सूख करके फटने लायक होना चाहिए, जैसे आपने देखा होगा रेड़ी जो होती है, रेड़ी कैस्टर, तो उसका फल जो होता है वो धूप में सूख करके फट जाता है और रेड़ी बाहर आ जाती है, कैस्टर का सीड बाहर आ जाता है। तो कह रहा है कि फ्रूट डेवलप कैसे होता है बाइकार्पलरी सिंग कार्पस इंफीरियर पोरी से, तो इस प्रकार के फल को क्या नाम देते हैं, तो ऐसे फल का नाम होता है सिप्सेला, ऐसे फल को क्या बोलते हैं सिप्सेला। अब आप एनसीईआरटी के बुक खोल करके बैठिए, और अगर अब नहीं दिया गया है तो ये सब छोड़ते चले जाना है, ये आपको देखना है एनसीईआरटी में। तो 65 का डी विकल्प हमारा
करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए लिखा है सिप्सेला इज ए ड्राई वन चैम्बर्ड वन सीडेड फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम ए इंफीरियर बाइकार्पेलरी ओरी। एग्जाम्पल क्या है? सनफ्लावर यानी सूरजमुखी, मैरी गोल्ड, कॉस्मोज एटसेट्रा, ये सब जो है इनमें सिप्सेला टाइप का फ्रूट पाया जाता है। बाकी जितना लिखा है इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द फ्रूट इज चैम्बर्ड, फ्रूट जो है जो फल है वो चैम्बर्ड होता है यानी कई कोष्ठक होते हैं, डेवलप्ड फ्रॉम इंफीरियर ओरी एंड हैज सीड्स विद सकुलेंट टेस्टा। इन्फीरियर ओरी से डेवलप होता है और जो सीड होता है ये गूदेदार होता है, इसका टेस्टा जो होता है गूदेदार होता है। तो कौन सा फल है हमसे पूछ रहा है? तो ये फल है हमारा पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट यानी अनार का फल है। अब इसको देखते हैं। तो देखिए लिखा है इन पोमग्रेनेट द होल फ्रूट इज कवर्ड बाय ए हार्ड रिंड मेड अप ऑफ ए एक्सोकार्प एंड ए पार्ट ऑफ मीजोकार्प। तो जो पोमग्रेनेट होता है अनार जिसको बोलेंगे, इसमें एक्सोकार्प क्या होती है, हार्ड होती है और रिंड मेड अप ऑफ एक्सोकार्प, और ये बाहरी आवरण बनाती है जो कि मीजोकार्प का एक पार्ट होता है एंड ए पार्ट ऑफ मीजोकार्प। इट डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पलरी सिंग कार्पस इंफीरियर ओरी, यह मल्टी कार्पलरी सिंग कार्पस इंफीरियर ओरी से डेवलप होती है। मल्टीलॉक्यूलर मतलब जैसे अनार को फाड़ेंगे तो बीच में झिल्ली द्वारा कई कोष्ठकों में बटा रहता है। सिंग कार्पस का मतलब जितने स्टैमेन होते मतलब एक साथ फ्यूज हो जाते हैं कार्पेल बहुत सारे, और इसकी ओरिज क्या होती है अधोवर्ती यानी इन्फीरियर होती है। मीजोकार्प फॉर्म ए प्लेट लाइक इनफोल्डिंग, आप देखेंगे अनार को फाड़ करके तो उसमें बहुत सारी कागज नुमा अंदर फोल्डिंग मिलेंगी जिसको चैम्बर भी कह सकते हैं। एंड द सीड आर कवर्ड बाई इंडोकार्प, और सीड जो है मध्य फल भित्ति द्वारा कवर होते हैं एंड कंटेन ब्राइट रेड सकुलेंट टेस्टा, और खाने लायक चमकीले गूदेदार टेस्टा जो कि लाल रंग का होता है उसमें चेंज हो जाते हैं या रखते हैं। तो 66 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पाइन एप्पल यानी जिसको अनानास कहते हैं फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम, तो देखिए जो पाइन एप्पल अनानास होता है इसमें देखे होंगे लंबा फ्रूट होता है बहुत सारे, उसमें जैसे कटहल है अनानास है इनमें कटहल में बहुत सारे सीड निकलते हैं, तो बहुत सारे क्या होता है कि छोटे छोटे फल जैसे अंगूर में अलग अलग रहते हैं इसमें इकट्ठा हो जाते हैं, सिंग कार्पस कंडीशन हो जाती है। तो ए क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्टली बॉर्न फ्लावर ऑन ए कॉमन एक्सिस, तो एक ही एक्सिस पे जैसे अंगूर होता है उसमें आपस में मिल नहीं पाते इसमें मिल जाते हैं, तो एक ही एक्सिस में बहुत सारे फ्लावर एक घेरे में बंद होकर के एक ही फ्रूट बना लेते हैं, तो कॉमन एक्सिस में बहुत सारे फ्लावर होंगे, ए क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्टली बॉर्न फ्लावर। तो हमारा 67 का डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जो पाइन एप्पल है अनानास इज ए सोरियोसिस टाइप ऑफ फ्रूट, ये सोरियोसिस टाइप फ्रूट होता है दैट डेवलप्स फ्रॉम स्पाइक और स्पाइडिक्स इन्फ्लोरेसेंस, ये स्पाइक या स्पाइडिक्स टाइप के इन्फ्लोरेसेंस से विकसित होता है। अब देखिए आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स द एडिबल पार्ट इज ऑफ द एरिल,
तो एरिल किस में खाया जाता है, चार विकल्प दिए गए हैं, इसमें हमको बताना है। तो जो लीची होती है इसमें हम लोग एरिल खाते हैं, लीची में। अब इसको देखते हैं, देखिए तो कह रहा है इन लीची एरिल फॉर्म्स द एडिबल पार्ट इन फ्रूट। लीची में जो है वो एरिल जो होता है यही खाने वाला भाग बनाता है फल में। इट इज ए कलर लाइक आउटग्रोथ फ्रॉम द बेस ऑफ द ओव्यूल फॉर्मिंग ए काइंड ऑफ थर्ड इंटेगुमेंट। इसमें क्या होता है कि एक आउटग्रोथ निकलती है, कलर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, कलर जैसी संरचना, और ये एक प्रकार का थर्ड इंटेगुमेंट होता है। लीची इज ए नट। लीची जो होती है ये किस प्रकार का फल होता है, नट। इन लीची द एपिकार्प एंड मेजोकार्प लेयर ऑफ पेरिकार्प। लीची में जो बाह्य फल भित्ति है और मध्य फल भित्ति है टुगेदर बिकम लेदरी, ये क्या होती है, कठोर होती है। एंड द इंडोकार्प इज मेम्ब्रेनस, और अंदर वाली क्या होती है, झिल्ली जैसे होती है। तो लीची में एरिल खाया जाता है, बस इतना हमको याद रखना। अब 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट ऑफ लीची। तो लीची में हम जो खाते हैं वो क्या होता है, तो देखिए फिर उसी क्वेश्चन को रिपीट किया है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि लीची में एरिल खाया जाता है, तो जूसी एरिल डी विकल्प में दिया गया है, वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जूसी एरिल सही हो जाएगा 69 में। अब 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज, जो हमारा आम है इसमें क्या खाया जाता है। तो आम में हमने बताया कि वह फल भित्ति जो छिलका होती है और मध्य फल भित्ति गूदेदार होती है उसी को हम खाते हैं। अंतः फल भित्ति जो गुठली होती है उसके ऊपर कठोर होता है। तो मीजो कार्प जो मध्य फल भित्ति है वो खाते हैं। तो 70 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 70 का डी दिया है मैंगो, इसका वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका, और इसकी फैमिली है एनाकार्डियेसी, और इसमें जो फल होता है ड्रूप होता है, ड्रूप टाइप का फल, और इसमें एडिबल पार्ट क्या होता है, मीजोकार्प यानी मध्य फल भित्ति। तो 70 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है 71 नंबर क्वेश्चन में कि जूसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व इन द लेमन फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम। तो जो लेमन होता है हमारा, ये जैसे इस तरह के फल संतरा मौसमी और नींबू, तो इनमें जो अंदर जूसी बाल जैसी संरचनाएं अंदर होती हैं जिनसे रस निकलता है, तो पूछ रहा है कि वो क्या होती हैं। तो ये अंतः फल भित्ति होती हैं इंडोकार्प। वाह फल भित्ति मोटी होती है, फिर उसके अंदर एक पतली सफेद नुमा निकलती है, और अंतः फल भित्ति हमारा जूसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो 71 का सी विकल्प हमारा करेक्ट होना चाहिए। तो देखिए 71 का सी विकल्प हमारा करेक्ट है। लेमन इज ए हेस्परिडियम टाइप ऑफ फ्रूट, जो हमारा मौसमी संतरा नींबू इस तरह के हैं, ये सब हेस्परिडियम नाम वाले फ्रूट हैं, मतलब फ्रूट का एक प्रकार है हेस्परिडियम, ठीक ना। अब आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुल मिलाकर के इसमें मीजोकार्प खाई जाती है। ईपी कार्प लेदरी होती है, चमड़े जैसी। अब 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए कह रहा है जियोकार्पिक फ्रूट इज। जियोकार्पिक फ्रूट मतलब जो फूल जियो मतलब पृथ्वी के लिए यूज किया जाता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण को जी से डिनोट करते हैं, जी लिखा जाता है ना, तो जियोकार्पिक का मतलब जमीन के अंदर जो फल पाया जाता है, तो कौन सा है, तो पी नट यानी मूंगफली। तो 72 का वी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए गार्लिक यानी हमारी जो अदरक है ये तना है, पोटैटो आलू ये भी तना है,
और ये ओनियन जो है प्याज ये पत्ती है, तो ये हमारा फ्रूट है यानी फल है। तो पीनट हमारा सही हो जाएगा कि जमीन के अंदर पाया जाने वाला फल होता है। तो 72 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 72 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर वही पूछ लिया कि एडिबल पार्ट इन मैंगो इज, जो आम है उसमें खाने वाला भाग कौन सा है, तो मध्य फलभित्त यानी मीजोकार्प। तो 73 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 74 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, तो पूछ रहा है कि एडिबल पार्ट ऑफ बनाना इज, केला में कौन सा भाग खाया जाता है। तो देखिए बनाना में जो हम छिलका निकाल देते हैं ये तो वाह्य फल भित्ति हो गई, तो मध्य फल भित्ति, और अंदर देखिए बनाना को अगर तोड़ के देखेंगे अंदर उसके गूदेदार भाग को, तो अंदर बीज होते हैं लेकिन वो ज्यादा विकसित नहीं होते। तो मध्य फल भित्ति तो विकसित होती है लेकिन अंतः फल भित्ति कम विकसित होती है। तो इंडोकार्प एंड लेस डेवलप्ड मीजोकार्प, मतलब अंतः फल भित्ति तो विकसित होती है, तो इसमें हम लोग इंडोकार्प खाते हैं, अंतः फल भित्ति एंड लेस डेवलप्ड मीजोकार्प और कम विकसित मध्य फल भित्ति। इसको ध्यान देना, देखिए दोनों विकल्प दिए गए हैं, कंफ्यूज नहीं होना। इसकी अंतः फल भित्ति ज्यादा विकसित होती है और मध्य फल भित्ति कम विकसित होती है बनाना में यानी केला में। इंडोकार्प एंड लेस डेवलप्ड मीजोकार्प यानी अंतः फल भित्ति और मध्य फल भित्ति हम लोग दोनों खाते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि इंडोकार्प डेवलप होती है और मीजोकार्प लेस डेवलप होती है, ये गलती ना होने पाए। तो 74 का सी विकल्प हमारा करेक्ट। तो देखिए जो बनाना यानी केला है इसमें बेरी टाइप का फल होता है, एक प्रकार है फल का। इट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पली और मल्टीकार्पलरी सिंग कार्पसोरी। तो यहाँ पर देखिए ईपी कार्प मेक द रिंड ऑफ द फ्रूट, जो ईपी कार्प होता है यानी वाह फल वृत्ति होती है वो कवर बनाता है। मीजो कार्प इज फ्लेसी, मीजो कार्प गूदेदार होती है। इंडो कार्प इज थिन एंड मेम्ब्रेनस, जो इंडो कार्प होती है वो पतली होती है और झिल्लीदार होती है। द एडिबल पोर्सन ऑफ बनाना इज इंडो कार्प एंड लेस डेवलप्ड मेजो कार्प। तो जो बनाना में केला में खाने वाला भाग है वो इंडो कार्प एंड लेस डेवलप्ड मेजो कार्प, मीजो कार्प कम विकसित होती है, कम विकसित मीजो कार्प और इंडो कार्प खाई जाती है बनाना में। तो 74 का सही विकल्प करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिए क्योंकि ये गलत हो सकता है। अब 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 75 नंबर क्वेश्चन में फिर हमसे पूछ रहा है कि जियोकार्पिक फ्रूट यानी भूमि के अंदर पाया जाने वाला कौन सा फल है, तो ग्राउंड नट है। कैरेट का मतलब गाजर, गाजर हमारी जड़ है। रेडिश का मतलब मूली, मूली भी हमारी जड़ है। और टर्निप जो होता है ये शलजम होती है, ये भी जड़ है। ग्राउंड नट हमारा फल है, तो जियोकार्पिक फ्रूट कौन सा है, ग्राउंड नट। तो 75 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 75 का सी विकल्प हमारा करेक्ट है। तो आज हमने 75 नंबर क्वेश्चन तक किया है, ग्राउंड नट हमारा जियोकार्पिक फ्रूट है। अब 76 नंबर क्वेश्चन की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, आज बस यहीं तक।